भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झांक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झांक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अब देखिए, जब यहां उनकी नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए, अब जम्मू कश्मीर में उनके झूठे वादे, भ्रम की मायाजाल नहीं चल पा रही है, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। जिस राज्य में जाते हैं वहां भी बोलते हैं तुम्हारे राज्य को क्या लाभ हुआ, तुम्हारे राज्य को क्या लाभ हुआ। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है वो जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो, जो अपने हकों के लिए तरस रही थी। ये उनका भाई, ये उनका बेटा, उन्होंने उनके हक वापस दिए हैं। जरा कांग्रेस के लोगों, जरा देश भर के
दलित नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, यहां के हमारे दलित भाई बहन, हमारे वाल्मीकि भाई बहन देश आजाद हुए तब से परेशानी झेल रहे थे। जरा आकर के उन वाल्मीकि भाई बहनों से पूछो, गड्डा ब्राह्मण से पूछो, कोली से पूछो, और पहाड़ी परिवार हो, मचैल माता की भूमि में रहने वाले मेरे पटरी साथी हो। अब हर किसी को संविधान में मिले अधिकार मिलने लगे हैं। अब हमारे फौजियों की वीर माताओं को चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पत्थरबाजी नहीं होती है। इतना ही नहीं, घाटी की वो माताएं मुझे आशीर्वाद देती हैं, उनको चिंता रहती थी कि बेटा अगर दो चार दिन दिखाई न दे तो उनको लगता था कहीं गलत हाथों में तो नहीं फंस गया है। आज कश्मीर घाटी की हर माता चैन की नींद सोती है, क्योंकि अब उनका बच्चा बर्बाद होने से बच रहा है। साथियों, अब स्कूल नहीं जलाए जाते बल्कि स्कूल सजाए जाते हैं। अब यहां एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, अब आधुनिक टनल, आधुनिक और चौड़ी सड़कें, शानदार रेल्स का सफर जम्मू कश्मीर की तकदीर बन रही है। जम्मू हो या कश्मीर, अब रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने लगे हैं। ये सपना यहां की अनेक पीढ़ियों ने देखा है, और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल आपके नाम, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल देश के नाम, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए 24/7 फॉर 2047, ये मोदी की गारंटी है। दस सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत ही कसा है। अब आने वाले 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। साथियों, 10 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास, वो तो है, सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का मन बदला है। निराशा में से आशा की ओर बढ़े हैं, जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है। इतना विकास यहां हुआ है, चारों तरफ विकास हो रहा है। लोग कहेंगे, मोदी जी अरे इतना कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं।
आपका साथ उस पे प्रति तो मेरा अपार विश्वास है। मैं यहां न आता तो भी मुझे पता था कि जम्मू कश्मीर का मेरा नाता इतना गहरा है कि आप मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा करेंगे। लेकिन मैं तो आया हूं मां वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हुए आप लोगों के भी दर्शन करने के लिए। मां वैष्णो देवी की छत्र छाया में जीने वाले भी मेरे लिए दर्शन के योग्य होते हैं। और जब आप लोग कहते हैं इतना कर लिया, इतना हो गया, इतना हो गया, हम वो इतने ज्यादा क्या कर सकते हैं? मेरे जम्मू कश्मीर के भाई बहन, आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास जैसा लग रहा है। लेकिन जो मोदी है ना, वो तो बहुत बड़ा सोचता है। ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे, हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े,
तो भारत के लोगों ने अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्था के लिए क्या क्या नहीं झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो टाट पत्री वो बदलने की बात आती थी, तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। बारिश में रामलला का टेंट टपकता रहता था और रामलला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। ये उन करोड़ों अरबों लोगों की आस्था पर आघात था जो राम को अपना आराध्य कहते हैं। और हमने इन्हीं लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। और तीन बातें कभी भूल नहीं सकते। एक, 500 साल के अविरत संघर्ष के बाद यह हुआ है। आप सहमत हैं? 500 साल के अविरत संघर्ष के बाद हुआ है, आप सहमत हैं? दूसरा, पूरी न्यायिक प्रक्रिया की कसौटी से कस करके, न्याय के तराजू से तोल करके, अदालत के निर्णय से ये काम हुआ है, सहमत है? तीसरा, ये भव्य राम मंदिर सरकारी खजाने से नहीं, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने पाई पाई दान देकर बनाया है, सहमत है? जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो भी पाप किए थे, जो भी रुकावटें डाली थी, उनके साथियों ने जो भी रुकावटें डाली थी, सबको माफ करके राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो खुद कांग्रेस वालों के घर गए, इंडी गठबंधन वालों के घर गए, उनके पुराने पापों को माफ कर दिया और उन्होंने कहा राम आपके भी हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में जरूर पधारिए, सम्मान के साथ बुलाया। लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। कोई बताए वो कौन सा चुनावी कारनामा था जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया? वो कौन सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया? ये कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले, जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दा था, देश के लिए ये श्रद्धा का मुद्दा था, ये धैर्य की विजय का मुद्दा था, ये आस्था और विश्वास का मुद्दा था, ये 500 वर्ष की तपस्या का मुद्दा था। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं,
आपने अपनी सरकार के समय दिन रात जब इसका विरोध किया तब ये किस चुनाव का मुद्दे के तहत आप कर रहे थे, लेकिन आप राम भक्तों की आस्था देखिए, मंदिर बना तो ये लोग इंडी गठबंधन वालों के घर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देने के लिए खुद गए। जिस क्षण के लिए करोड़ों करोड़ों देशवासी ने इंतजार कर रहे थे, आप बुलाने पर उसकी तरफ देखने नहीं गए। पूरी दुनिया के राम भक्तों ने आपके इस अहंकार को देखा है, आपकी चुनावी मंशा को देखा है। ये चुनावी मंशा थी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आपके लिए चुनाव का खेल है। ये किस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति थी। भगवान राम को काल्पनिक कहकर कांग्रेस किस वोट बैंक को खुश करना चाहती थी। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो।
ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदान के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। साथियों, ये जो परिवार चलित पार्टियां हैं, ये जो भ्रष्टाचारी है, अब इनको फिर मौका नहीं दे रहा है। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर जी नया रिकॉर्ड बनाकर संसद भेजना है। जीत के बाद दोबारा जब उधमपुर आऊं तो स्वादिष्ट कलाड़ी का आनंद जरूर लूंगा। मेरा एक काम करोगे, माता वैष्णो देवी को वहां मैं जा नहीं पा रहा हूं, यहां इतना निकट आकर के, तो माता वैष्णो देवी की क्षमा मांगिए और मेरी तरफ से मत्था टेकिए, टेकोगे? दूसरा एक काम करोगे, मेरा एक काम और करोगे, जरा उधर से आवाज आए काम करोगे, इधर से आवाज आए करोगे, पीछे से आवाज आए करोगे, पक्का करोगे? देखिए, आप घर घर जाना है और घर घर जाके कहना, मोदी जी उधमपुर आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, राम राम कहा है, जय माता दी कहा है। कहोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.